ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे प्रैक्टिस के लिए, उम्मीद है आपने वो सभी सोल्व किए होंगे। अब उन्हीं सवालों को अपन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन दिया था मैंने आपको, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस ट्वाइस बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 10। इसको सिंप्लीफाई करके आपको एक्स फाइंड करना था। तो देखिए प्रॉपर्टी कौन से लगा सकते हैं आप, ये 4 यहाँ पे इंटीजर है, बॉक्स से बाहर निकाल पाएंगे कितना बनेगा। देखो 4 प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो गया ट्वाइस बॉक्स ऑफ एक्स विल बी कितना, 4 गया राइट हैंड साइड में, 10 माइनस 4 विल बी 6। अब यहां से बॉक्स ऑफ एक्स आपको मिलने जा रहा है कितना, 2। इसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितना बन जाएगा ये एक्स कहां से कहां तक, 2 से लेके 3 ओपन तक। ऐसे सवाल ऑलरेडी आपने कर रखे हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बॉक्स एक्स प्लस अगेन बॉक्स एक्स प्लस अगेन बॉक्स देन बॉक्स को क्लोज कर रखा है इक्वल टू 12, ये गिवन था आपको। देखिए ये जो बॉक्स ऑफ एक्स है इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक इंटीजर वैल्यू आएगी, तो इफेक्टिवली है ये एक इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये वाला, इस बॉक्स के अंदर एक इंटीजर सम के फॉर्म में दे रखा, आप इस बॉक्स को बाहर निकाल पाएंगे, आप यानी इस इंटीजर को इस वाले बॉक्स से बाहर निकाल पाएंगे, तो ये बाहर चला गया। आप देखो जरा क्या बनाए, ये बन गया बॉक्स ऑफ एक्स प्लस, ये इंटीजर बाहर आ गया था, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस, अब यहां पे कितना बचेगा, बॉक्स ऑफ ऑनली एक्स ही बचेगा इक्वल टू कितना, 12। आगे देखिए इसको, ये बन गया बॉक्स ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 12। बॉक्स ऑफ एक्स इंटीजर है, इंटू टू करेंगे अगेन इंटीजर आएगा, तो ये यहाँ पे एक इंटीजर बन रहा है जो कि बॉक्स के अंदर सम के फॉर्म में दे रखा है, इसको बॉक्स से बाहर निकाल पाएंगे आप, तो बाहर चला गया ट्वाइस बॉक्स ऑफ एक्स और प्लस कितना बचेगा ये वाला पार्ट, बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 12। इसको लिखिएगा आप थ्राइस बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 12, तो यहां से बॉक्स ऑफ एक्स आपको मिल रहा है कितना, 4। अगर बॉक्स एक्स 4 है तो एक्स कहां से कहां तक बनेगा, कहां से कहां तक, जल्दी बोलिए, 4 से 5। ये हो गया अपना सेकेंड सवाल। देन आते हैं अब थर्ड के ऊपर। थर्ड था बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, राइट हैंड साइड में एक्स में क्वाड्रेटिक है, यहां दो बॉक्स लगा रखे हैं, ये दिखते ही आपको कोई प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, इसी फॉर्म में लिखवाई थी मैंने, दो केस बनाए थे, एक बार एक्स को इंटीजर लिया था और एक बार एक्स को नॉन इंटीजर लिया था, तो ऐसे केसेस आप यहां बना दीजिए। केस नंबर 1 एक्स को लिया मैंने इंटीजर, और केस नंबर 2 पैरेलल एक्स को लेंगे आप नॉन इंटीजर। अगर एक्स इंटीजर होगा तो सम कितना आया था, 0, तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अब क्वाड्रेटिक के रूप निकाल लीजिए बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो x कितना बन जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बन गया बी स्क्वायर 9 माइनस 4ac यानी प्लस 4 का स्क्वायर रूट अपॉन 2a। एक्स बन रहा है यहां से 3 प्लस माइनस रूट 13 बाई 2। क्या यहां से जो भी x बनेगा वो इंटीजर बन पाएगा, बिकॉज ऑफ रूट 13 वो इंटीजर नहीं बन रहा है, और आप क्या बोल रहे थे कि एक्स कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर एक्स इंटीजर था तो आपने ये केस लिया था, यानी किसी पर्टिकुलर केस को जब भी आप सिंप्लीफाई करते हैं वहां पे जितनी भी एक्स के लिए कंडीशन बन रही होती है लास्ट में सबका आपको कॉमन पार्ट फाइंड करना होता है, केस के अंदर ऑलवेज इंटरसेक्शन, ये लिया तब ये आंसर आया। अब ये जो बन रहा है क्या वो इंटीजर बन रहा है, बट यहाँ तो आप इंटीजर बोल रहे थे, मीन्स ये पॉसिबल नहीं है, या कहें तो दोनों का कॉमन पार्ट लेना होता आपको, इस वाले का और साथ में इस वाले का इंटरसेक्शन, क्या मिलेगा आप, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं को क्या बोलते हैं मैथ्स में आप, फाइव।
इस केस में जो केस नंबर टू, अगर x नॉन इंटीजर था तो सम कितना बनता है, 1 या माइनस 1। उसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, अगर कंफ्यूजन कहीं भी हो तो x को रख के देख लीजिए आप, नॉन इंटीजर कुछ पे रख के देखो, जैसे 1.2 रखा मैंने, बॉक्स 1.2 विल बी 1, बॉक्स माइनस 1.2 विल बी माइनस 2, सम कितना आएगा माइनस 1, तो ये आएगा माइनस 1 इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ये बन गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, यहां से x बन रहा है 0 या 3। नॉन इंटीजर बोल रहे हैं, कैसा आ रहा है इंटीजर केस के अंदर, इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट क्या आएगा, अगेन कुछ भी नहीं यानी 5, और मल्टीपल केसेस का ऑलवेज यूनियन, यानी या तो केस फर्स्ट होना था या फिर केस टू होना था, बीच में और मतलब यूनियन, और 5 और 5 का यूनियन क्या बनता है, 5 बनता है, तो इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहां पे दिया जाता है 2 बॉक्स ऑफ x प्लस 3x इक्वल टू 4 माइनस 5 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इस क्वेश्चन के अंदर x भी दे रखा है आपको, बॉक्स x भी दे रखा है और साथ में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी दे रखा है, तो जब भी इन सबका मिक्सर दे रखा हो या फिर नहीं दे रखा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अपन जानते हैं कि x क्या होता है, इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको बोल दिया मैंने i, इसको बोल दिया मैंने f, यानी x कितना बन गया i प्लस f, i यहाँ पे डब x को बोल रहा हूँ, f यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को बोल रहा हूँ, इसकी रेंज आप जानते ही हैं, तो f हो गया यहाँ पे 0 क्लोज से 1 ओवर। अब x जहां कहीं दिख रहा है उसको पुट करिए आप i प्लस f, इसको तो ऑलरेडी i बोला ना, तो ये तो बन गया 2i प्लस 3 इंटू आई प्लस एफ इक्वल टू कितना 4 माइनस 5, इसको बोल रहे हैं आप f। x को i प्लस f पुट करने के बाद में जो भी इक्वेशन बनेगा वहां से ऑलवेज आपको f निकालना है i के टर्म्स में। f क्यों निकाल रहा हूं, बिकॉज f की रेंज मुझे पता है, निकालिए f, ये 3f माइनस 5f लेफ्ट में आएगा विल बी 8 टाइम f, और रिमेनिंग टर्म राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है 5i और ये 4, तो 4 माइनस 5i, यहां से f कितना बन जाएगा 4 माइनस 5i बाई 8। आप देखो ये f की रेंज ही काम में लो, f आप जानते हैं 0 से 1 होता है, f की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो 4 माइनस 5i बाई 8, 0 क्लोज से 1 ओपन। अभी तक क्या किया आपने, x को पुट किया i प्लस f, देन वहां से f फाइंड किया i के टर्म्स में, अब जो ये i में इनइक्वालिटी बन रही है इसको सिंप्लीफाई करके आपको i की रेंज निकालनी है, आप करो सिंप्लीफाई, तो 4 माइनस 5i बाई 8 ये बनाया 0 क्लोज से 1 ओपन, निकालना आपको i है, इन इक्वेशन सिंप्लीफाई करना जानते हैं आप, इसको फटाफट कर दे रहा हूँ सिंप्लीफाई में, ये बन जाएगा यहाँ पे कितना 8 से cos मल्टीप्लाई 0 4 माइनस 5i ये 8, 4 माइनस कर लेंगे इधर कर देता हूँ माइनस 5i ये बन जाएगा माइनस 4 से लेके प्लस 4, माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना माइनस 4 बाई 5 से लेके प्लस 4 बाई 5, ये आपने i का इंटरवल निकाल लिया, कुछ नहीं सिंपल इन इक्वेशन सिंप्लीफाई किया मैंने, वो ऑलरेडी आप करना जानते हैं। तो i क्या था अपने पास, इंटीजर पार्ट ऑफ x, यानी आई की वैल्यू ऑलवेज क्या है इंटीजर, तो आई यहाँ पे इंटीजर है और साथ में माइनस फोर बाई से माइनस फोर बाई फाइव से प्लस फोर बाई फाइव तक वेरी कर रहा है। तो अब ये देखो अगर आई इंटीजर था तो इस रेंज में लाई करने वाला इंटीजर कौन सा होगा ये पता कर लीजिए आप, माइनस फोर बाई फाइव यानी माइनस जीरो पॉइंट समथिंग से फोर बाई फाइव यानी जीरो पॉइंट समथिंग, तो माइनस जीरो पॉइंट समथिंग से जीरो पॉइंट समथिंग तक इंटीजर कौन सा आता है, एकमात्र जीरो, मीन्स यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। आपको निकालना क्या था, एक्स निकालना था, और एक्स क्या था मेरे लिए आई प्लस एफ, आई तो निकाल चुके हैं आप, बस एफ निकालना है। अब एफ कहां से निकालेंगे, ये देखिए आप यहाँ आई यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आई पुट करो जीरो यहाँ पे, फोर बाई एट एफ कितना आ गया वन बाई टू, तो आई इक्वल टू जीरो पे एफ कितना बन जाएगा आपका 1/2, और एक्स क्या था आई प्लस एफ, आई है जीरो एफ कितना 1/2, आंसर विल बी 1/2। इस तरीके से आप इस टाइप के सवालों को सोल्व कर सकते हैं आई प्लस एफ। नेक्स्ट अगला सवाल,
अगला क्वेश्चन दिया था फिफ्थ मैंने, ये बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ टू एक्स, क्या लिखोगे? बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू ट्वाइस बॉक्स ऑफ एक्स? नहीं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, इसीलिए वो प्रॉपर्टी में लिखवा दिया था मैंने कि ऐसी गलती नहीं करें आप। इंटीजर का मल्टीप्लाई में है तो उसको बाहर नहीं निकालते आप, बोला था मैंने, ठीक है। तो फिर एक ही रास्ता है, आई प्लस एफ, आप तो आई प्लस एफ लगाओ, ऑलवेज आंसर मिलेगा आपको। तो एक्स आई प्लस एफ, आई का मतलब डब्बा एक्स, एफ का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। और एफ की रेंज क्या होती है? जीरो क्लॉथ से वन ऑपर। देखो जरा कितना बनेगा, आई बॉक्स ऑफ एक्स को ही बोल रहे थे आप, ये तो आई हो गया, और ये कितना हो गया? टू इंटू आई प्लस एफ का बॉक्स। इसको सिंप्लीफाई करिए, आई इक्वल टू डब्बा ऑफ टू आई प्लस टू एफ। अब देखिए टू आई तो इंटीजर है ना, डब्बे के अंदर है, बाहर जाएगा उससे प्रॉपर्टी से, तो कितना बन गए? आई इक्वल टू टू आई प्लस डब्बा ऑफ टू एफ। अब f की रेंज कहां से कहां तक? 0 से 1 तक, तो 2f की 0 से 2 तक, और 0 से 2 तक कोई रियल नंबर वेरी कर रहा है, 2 ओपन है 0 क्लोज है, तो उसका बॉक्स वैल्यू क्या क्या बनेगा? 0 भी बनेगा एंड 1 भी बनेगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि 0 कब बनेगा एंड 1 कब बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग यहां पे दो केसेस बनाएंगे आप, बिकॉज 0 भी बन रहा है एक 0 के लिए और 1 भी बन रहा है तो एक 1 के लिए, बनाओ दोनों केसेस। 2f का रेंज बोला आपने 0 से 2 ओपन, तो ये यहां से बंद कर दे रहा हूं उसको, i प्लस बॉक्स ऑफ 2f ये बोल रहे हैं आप 0। तो देखो केस फर्स्ट और केस टू दोनों को पैरेलल चलाते हैं, 2f 0 से 2 था तो 0 से 2 का बॉक्स चेक किया हमने, 0 भी आता है एंड 1 भी आता है, 0 कब आता है एंड 1 कब आता है उसके अकॉर्डिंग दो केस बना रहे हैं आप। फर्स्ट केस 2f कहां से कहां तक? 0 से 1 तक, 1 के ऊपर बॉक्स क्या बनेगा? 0। सेकंड केस 2f कहां से कहां तक? 1 से 2 ओपन, 1 यहां पे नहीं लिया तो यहां लेना पड़ेगा, और 2 तो ऑलरेडी ओपन था, और 1 से 2 में बॉक्स क्या बनेगा? 1 बन जाएगा। सॉल्व करिए इसको दोनों को 1 बाय 1, तो ये i प्लस ये बॉक्स वैल्यू कितनी बन गई यहां पे? 0 इक्वल टू 0, i कितना बन गया? 0 बन गया। f कितना यहां से? f कहां से कहां तक? 2 से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा 0 से लेके हाफ। आपको निकालना क्या था? x निकालना था, इक्वेशन को सोल्व करना, उसका वेरिएबल निकालना आपको x, और x क्या था? i प्लस f, i निकाल चुके हैं आप और f भी पता है इस केस का आपको, तो x था i प्लस f, f की रेंज पता है आपको, आपको निकालना i प्लस f है तो इसमें i ऐड कर दो, और i कितना है? 0, तो 0 ऐड कर दो, तो 0 ऐड करने से कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, मींस यहां पे x क्या बन जाएगा आपका? 0 क्लोज से लेके हाफ ओपन, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। देखो आई आपने बनाया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, एफ ऑलरेडी उस केस का पता था आपको, 2f अगर 0 से 1 था तो f 0 से हाफ था, अब x आपको निकालना था जो कि था आई प्लस एफ, आई और f को ऐड करना है, ये रहा i ये रहा f, तो इसमें i ऐड कर दो, और i मेरे पास 0 है तो 0 ऐड कर दो, और 0 ऐड करने से कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, तो i प्लस f का इंटरवल क्या बन जाएगा? 0 से हाफ, और i प्लस f ही मेरे पास x है 0 से हाफ। केस 2 पे आइए, अगर 2f 1 से 2 होगा तो इसका 1 से 2 का बॉक्स कितना बनेगा? 1, तो ये बन गया i प्लस 1 इक्वल टू 0, i कितना आ गया? माइनस 1। अगेन आपको निकालना तो x ही है, यानी i प्लस f निकालना है, तो x विल बी i प्लस f, f कितना यहां से पता कर लो, यहां से f क्या बोलेंगे आप? 2 से करिए डिवाइड, विल बी 1 बाय 2 से लेके 1 तक, i प्लस f निकालना है मीन्स इन दोनों का सम करना है, इन दोनों का सम करने का मतलब यहाँ पे i ऐड करना है आपको दोनों साइड में, यहां भी यहां भी यहां भी, और i मतलब माइनस 1, तो जैसे ही आप माइनस 1 ऐड करेंगे, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, और ये 1 और माइनस 1 सम बन गया 0, तो यहां पे x का इंटरवल क्या आ जाएगा आपका? ये बन रहा था माइनस हाफ क्लोज, और ये कितना बन गया था आपका? 0 ओपन,
केस नंबर वन का आंसर ये है, केस नंबर टू का आंसर ये, या तो केस फर्स्ट होगा या फिर केस टू होगा, मल्टीपल केसेस का ऑलवेज क्या लेते हैं आप यूनियन, बीच में क्या आता है और, इसलिए तो ये जीरो से हाफ और ये माइनस हाफ से जीरो, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, जॉइन कर दीजिए, तो माइनस हाफ से जीरो आ गया यहां तक, देन जीरो से हाफ भी आ गया, तो आंसर विल बी माइनस हाफ से लेके हाफ, माइनस हाफ क्लोज होगा और प्लस हाफ ओपन होगा। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फाइव। ओके नेक्स्ट लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सिक्स। वर्ड पे लिखा है मैंने बॉक्स ऑफ एक्स गिवन है, देन बॉक्स ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू भी इसके अंदर है, प्लस टू बाई टू अप टू एक्स प्लस एट बाई टू। ये जो टू यहां पे चल रहा है डीआर में, यहां से कुछ आपको हिंट मिलना चाहिए। चलो टू यहां तो नहीं है इस सम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग कर लेते हैं, बाकी सब में टू चल रहा है। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी लिखी थी आपने जे एफ के अंदर, box of x by n plus box of x plus 1 by n, x plus 2 by n, up to x plus n minus 1 by n. And कहां पे करते हैं, n से एक कंपैक्ट ऐड करते हैं आप, तो यहां पे वो n कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। अगर n 2 रहेगा तो प्रॉपर्टी का फॉर्मेट क्या बनेगा, प्रॉपर्टी का फॉर्मेट बन जाएगा box of x by 2, box of x plus 1 by 2, जितना n होता है उससे एक कम पे एड करते हैं आप, एंड यही पे होगा, सम विल बी box of x। ये देखिए आप ऐसा कुछ इसमें लगा सकते हैं या नहीं, तो यहां तो लगने का सवाल ही नहीं है, बिकॉज यहां तो अपॉन में टू है ही नहीं, इन सब में अपॉन में टू चल रहा है, तो दो दो टर्म का पेयरिंग आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहां देखते हैं अपन, यहां x और यहां पे क्या x प्लस वन है, तो अगर इसी में मैं x को रिप्लेस कर दूं x प्लस वन से मेरी प्रॉपर्टी के अंदर ही, तो क्या बन जाएगा ये x प्लस वन बाय टू प्लस x प्लस वन प्लस वन, यानी x प्लस टू बाय टू। x को रिप्लेस किया था x प्लस वन से, तो यहां भी करना पड़ेगा और यहां भी करना पड़ेगा, विल बी x प्लस वन का बॉक्स। देखो जरा क्या ये टर्म आपको दिख रहे दोनों यहाँ पे, एग्जैक्टली बिल्कुल ये लिखे हुए, तो इट विल बी बॉक्स ऑफ एक्स प्लस वन। तो बॉक्स ऑफ एक्स तो कॉपी कर दीजिए, इन दोनों का सम बन जाएगा बॉक्स ऑफ एक्स प्लस वन। अब आगे देखिए आप, आगे यही प्रॉपर्टी आप दोबारा लगा सकते हैं। यहां देखिए इस बार यहां पे एक्स को रिप्लेस करेंगे आप एक्स प्लस थ्री से, बिकॉज यहां एक्स और यहां पे कितना एक्स प्लस थ्री, तो एक्स प्लस थ्री देन उसमें एक वन एड कर रखा आप एक्स प्लस फोर बन गया। एग्जैक्टली फॉर्मेट लिखा हुआ है, इसमें x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, x प्लस थ्री से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जैसे यहां पे x को रिप्लेस करेंगे आप x प्लस थ्री से, फॉर्मेट क्या बन जाएगा, x प्लस थ्री बाई टू का डब्बा प्लस x प्लस फोर बाई टू का डब्बा, वही लिखा हुआ है, विल बी x प्लस थ्री का बॉक्स। तो ये कितना बन गया, बॉक्स ऑफ x प्लस थ्री। ऐसे आगे भी पेयरिंग आप बना सकते हैं। देखो पैटर्न क्या चल रहा है, इन दो का सम था तो x प्लस वन बनाओ, x प्लस वन का बॉक्स जो एनआर में लिखा है यहाँ पे x प्लस वन। नेक्स्ट टू का सम जो फर्स्ट है x प्लस थ्री, आगे दो और नेक्स्ट उसमें क्या चलेगा, आगे वाले क्या आएगा, x प्लस फाइव आएगा ना, तो ये बॉक्स ऑफ x प्लस फाइव। और आगे वाले इसमें अगर x प्लस फाइव आ गया तो मतलब x प्लस फाइव वाला टर्म भी आ गया, साथ में x प्लस सिक्स वाला टर्म भी आ गया। अब दो और बचते हैं सेवन और एट, उनका सम कितना बन जाएगा, बॉक्स ऑफ x प्लस सेवन इक्वल टू कितना, 21। तो ये कितना बन जाएगा प्रॉपर्टी से, ये इंटीजर्स तो आप बॉक्स से बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ से वन बाहर जाएगा, यहाँ से थ्री, यहाँ से फाइव, यहाँ से सेवन, तो ये वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन कितना बन गया, सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन हो गया राइट हैंड साइड के अंदर, 21 माइनस 16 कितना हो गया आपका 5। और यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा, बॉक्स ऑफ एक्स यहाँ भी आएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो फाइव टाइम बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 माइनस 16 विल बी 5। तो बॉक्स ऑफ एक्स मिल जा रहा है आपको 1। अब यहां से एक्स क्या कमेंट करने वाले हैं, 1 से स्टार्ट होगा और 2 पे एंड होगा, ये इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में दिया आपको x इंटू बॉक्स x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव टाइम बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फाइव एक्स लेस देन जीरो। इस बार इन इक्वेशन दिया जा रहा है आपको, टर्म्स को ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करके देखिए आप, कुछ कॉमन निकाल पा रहे हैं आप। देखो यहां से फाइव कॉमन आ जाएगा दोनों में, और यहां से आप एक्स कॉमन निकाल पाएंगे।
फर्स्ट टू में से एक्स कॉमन लिया आपने, कितना बचेगा? बॉक्स एक्स माइनस एक्स, लास्ट टू में से माइनस फाइव कॉमन लिया आपने, कितना बनेगा? बॉक्स एक्स माइनस एक्स। अब ये फैक्टर दोनों से कॉमन निकाल लीजिए, बॉक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स कॉमन लिया दोनों से मैंने, रिमेनिंग पार्ट विल बी एक्स माइनस फाइव विल बी लेस देन जीरो। और ये टर्म जो है ये कुछ देखा देखा आपको लग रहा है यहाँ पे, देखिए आप जानते हैं x इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यहां से ये टर्म बना सकते हैं आप, देखो कितना बन जाएगा बताओ, बॉक्स x माइनस x इक्वल टू ये जाएगा लेफ्ट में तो माइनस इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये जो है यहाँ लिखा हुआ वो है माइनस इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल और इंटू x माइनस फाइव लेस देन जीरो। इसको करते हैं हम सिंप्लीफाई आगे, ये तो आ गया पॉलिनोमियल और ये आ गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, दोनों का फैमिली डिफरेंट है, ये पॉलिनोमियल और ये फ्रैक्शनल पार्ट, अगर फैमिली डिफरेंट है तो दोनों को आपको अलग अलग तरीके से डील करना पड़ेगा, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है पॉलिनोमियल की और इस फंक्शन की प्रॉपर्टीज अलग होती है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की रेंज जानते हैं आप, जीरो क्लोज से वन ओपन होती है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की रेंज आप जानते हैं जीरो क्लोज से वन ओपन। तो अभी देखिए जब ये जीरो हो जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो कब होगा, जब एक्स क्या बनेगा इंटीजर, यानी जब एक्स इंटीजर होगा उस केस में क्या बन गया, जीरो बन गया, और जीरो इंटू समथिंग विल बी जीरो, जीरो इज लेस देन जीरो, क्या ये संभव है, क्या जीरो जीरो से कम होता है क्या, नहीं, मींस यहां पे ये जीरो तो पॉसिबल नहीं है, अगर ये जीरो पॉसिबल नहीं है मतलब एक्स यहां पे इंटीजर तो संभव नहीं है, तो आपने बोल दिया कि एक्स इंटीजर तो नहीं होना चाहिए, और अगर एक्स इंटीजर नहीं होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू भी जीरो नहीं होगी, जीरो से बड़ी होगी और वन से छोटी होगी, इसके अकॉर्डिंग लिखा आपने, ठीक है। तो अगर इंटीजर नहीं, आपने चेक कर लिया इंटीजर सॉल्यूशन नहीं आएगा, अगर इंटीजर नहीं है तो ये ऐसा होगा, मीन्स ये जो टर्म लिखा है वो ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव है, अगर इसको माइनस इंटू कर दूं तो अब कैसा बन गया है, ऑलवेज नेगेटिव बन गया, कंफर्म नेगेटिव, अगर ये कंफर्म नेगेटिव है तो गया राइट हैंड साइड में, यानी इसे डिवाइड कर दिया आपने, नेगेटिव था साइन उल्टा होगा, जीरो अपॉन सम नेगेटिव वो तो जीरो बन जाएगा, तो यहां से क्या बन जा रहा है, एक्स माइनस फाइव विल बी ग्रेटर देन जीरो, एक्स विल बी ग्रेटर देन फाइव, फाइव से बड़ा तो होगा बट इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो आंसर क्या लिखोगे आप, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आई, फाइव से बड़ा रियल नंबर और साथ में इंटीजर नहीं, ये अपना आंसर बन जाएगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेवन, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पे चलते हैं। एट में अगेन आपको एक इक्वेशन दिया जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। देखिए जरा, आपने कमेंट किया था कि एक्स को पुट करते हैं आप आई प्लस एफ, बट यहां जैसे ही आप आई प्लस एफ रखेंगे कि देखो आई प्लस एफ का स्क्वायर, आई स्क्वायर बनेगा, एफ स्क्वायर बनेगा, ट्वाइस आई एफ बनेगा, देन ये अगेन आई प्लस एफ, यहां पे आई, यानी पूरी इक्वेशन के अंदर आई स्क्वायर भी आ जा रहा है, एफ स्क्वायर भी आ जा रहा है, आई इंटू एफ भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, अब वो आई स्क्वायर और जो पेयरिंग आई इंटू एफ है और साथ में जो एफ स्क्वायर चल रहा है, उन टर्म्स को डील करना इतना आसान नहीं रहने वाला है, ये आप खुद सोल्व करके देखिएगा, उनको इतना इजिली आप आसानी से स्मूथली नहीं आगे बढ़ा पाएंगे, तो उसको तो एक बार मैं वहीं पे उस आइडिया को तो वहीं ड्रॉप कर दे रहा हूं कि आई प्लस एफ का जो अपना आइडिया था उसको अपन वहीं ड्रॉप करते हैं, बिकॉज टर्म्स मेरे को दिख रहे हैं आई स्क्वायर एफ स्क्वायर ट्वाइस आई एफ, बड़े मुश्किल बन जाएंगे बाद में, तो कुछ अलग ट्राई किया जाए इसमें, और अलग के नाम पे अगर कुछ फैक्टर बन जा रहा है, जैसे इन तीन को देखें अपन, बिल्कुल अच्छा फैक्टर तो नहीं बनेगा, ठीक है, तो अगर नहीं बनेगा तो इसको क्या लिख पाएंगे आप, एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स वाले फॉर्मूले से, अब देखो जरा कितना बनाए, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव एक्स और ये प्लस का सेवन, और ये क्या राइट हैंड साइड के अंदर, राइट हैंड साइड में क्यों भेज रहा हूँ इसको, बिकॉज ये डिफरेंट फैमिली का फंक्शन है, ये फ्रैक्शन पार्ट और ये पॉलिनोमियल डिफरेंट फैमिली आते ही उनको अलग अलग डील करना होता है आपको, बिकॉज प्रॉपर्टीज ही कॉमन नहीं होती है।
अब क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं इसके अंदर, ये क्वाड्रेटिक और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसकी रेंज आप जानते हैं, जीरो क्लोज से वन ओपन होती है, और ये आपका इसके इक्वल है, तो ये रख दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन भी आपका जीरो से वन के बीच में आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, एक बार फर्स्ट टू और एक बार लास्ट टू, बीच में क्या आता है एंड, यानी दोनों के रेस्पेक्टिव आंसर्स का आपको कॉमन पार्ट निकालना पड़ेगा। फर्स्ट टू पे आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये वन एक्स में क्वाड्रेटिक है, आप इसका डी चेक करते हैं, डी डी कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी 25 माइनस 28, ये बन गया नेगेटिव, अगर डी नेगेटिव आ रहा है और साथ में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये ऑलवेज ही कैसा बनेगा, जीरो से बड़ा बनेगा, और आप बोल रहे हैं जीरो है जीरो से बड़ा, जो कि हमेशा करेक्ट है, ऑलवेज मतलब एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। लास्ट टू में क्या बोल रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन इज लेस देन वन, वन आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस कितना हो गया ये सिक्स लेस देन जीरो, इसके फैक्टर्स बन गए एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे, यहां से मिल जाएगा आपको टू से थ्री, इनका कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा टू से थ्री। तो आपने ये कमेंट किया कि जो एक्स आएगा वो टू से थ्री आएगा, अब दिक्कत इसमें देखो क्या है, इसमें गलती कर सकते हैं आप, एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक आप यहां पे बाई चांस कर सकते हैं, आप इसी को आंसर बोल सकते हैं, बट ये आंसर नहीं है, आपका जो मेथड है उसमें कुछ कुछ न कुछ ऐसा है जो आपको ढूंढना पड़ेगा कि जिसके कारण ये आंसर नहीं बन रहा है। मैंने क्या किया वो समझिए आप, मैंने दोनों फंक्शन की रेंज इक्वेट करी है, जो इसकी रेंज वही इसकी बना दी मैंने। अब ये समझो आप, अगर कोई दो फंक्शंस की रेंज सेम है, सपोज एक फंक्शन एफ था एक जी है, इसकी रेंज भी आ रही है एक वन से टू आ रही है और इसकी रेंज भी वन से टू आ रही है, तो अगर दोनों फंक्शंस की रेंज सेम है तो उन दोनों फंक्शन का इक्वल होना कोई जरूरी नहीं होता है, क्यों वो समझिए आप। सपोज हो सकता है कि एक्स इक्वल टू वन ले लिया कोई एलिमेंट, एक्स इक्वल टू वन पे यहां पे वैल्यू आ रही है वन बाई टू, ये वन बाई टू तो पॉसिबल नहीं है ना, मान लिया सपोज थ्री बाई टू मान लिया, एक्स इक्वल टू वन पे आ रही है, यहां पे आ रही है थ्री बाई टू, और यहां थ्री बाई टू आ रही है एक्स बराबर दो पे। अगेन रिपीट कर रहा हूं कि रेंज दोनों की वन से टू क्लोज थी, अब रेंज के अंदर कोई भी एक एलिमेंट लिया मैंने, सपोज थ्री बाई टू लिया, यानी वाई की वैल्यू ली मैंने थ्री बाई टू, अब इसकी वैल्यू थ्री बाई टू मान लेते हैं कि एक्स इक्वल टू वन पे आ रही है और इसकी वैल्यू थ्री बाई टू मान लेते हैं एक्स बराबर टू पे आ रही है, तो क्या जब आप एक्स निकालने जाएंगे तो वो एक्स तो सेम होना चाहिए ना, कि एक्स ऐसा होना चाहिए जो दोनों को बराबर कर सके, बराबर कर सके। अब ये एक्स इक्वल टू वन पे थ्री बाई टू आया था और ये एक्स इक्वल टू वन पे थ्री बाई टू तो नहीं आ रहा, ये तो कुछ और आ रहा होगा, ये थ्री बाई टू कहां पे आ रहा है, टू पे आ रहा है, तो सेम एक्स पे दोनों सेम आने चाहिए तब वो सोल्यूशन आता। ऐसी गलती यहां पे आपने दोनों का रेंज बराबर किया था, जो रेंज इसकी थी वही आपने इसकी बना दी। अब हो सकता है कि जैसे इसकी रेंज में हाफ आ गया 0.5 के ऊपर, इसकी वैल्यू 1 बाई टू आ गई 0.5 के ऊपर और इसकी वैल्यू 1 बाई टू आ गई 2 के ऊपर, इसकी वैल्यू हाफ आ गई 0.5 के ऊपर और इसकी वैल्यू हाफ आ रही है 5 के ऊपर, तो जो x आ रहा है वो दोनों में सेम थोड़ी है, यहां पे x अलग आ रहा है और यहां पे x अलग आ रहा है, तो इस तरीके से आप जो आप आंसर ला रहे हैं वो आप फाइनलाइज नहीं कर सकते, कुछ और भी चेक करना पड़ेगा। ये कंफर्म बोल दिया आपने कि जो आपका आंसर आएगा वो डेफिनेटली टू से थ्री ओपन के अंदर ही आएगा, अगर इसका आंसर कुछ आता है तो डेफिनेटली पक्का वो टू से थ्री ओपन के अंदर ही आना, इससे बाहर नहीं आएगा। अब क्या होगा ये कंफर्म नहीं है, तो उसको चेक करते हैं हम, देखिए कैसे चेक करेंगे। कोई काम का नहीं है अभी, तो एक्स आपका टू से थ्री ओपन फाइनल हो गया आपका, कि इसी में कुछ ना कुछ आंसर इसका बनने वाला है, क्या बनेगा उसको चेक करना पड़ेगा। तो इक्वेशन आता है जिसका आपको एक्स निकालना था, प्लस बॉक्स ऑफ एक्स
प्लस सेवन बराबर जीरो। इसमें कॉमन गलती यही होती है कि बच्चा इसी को फाइनल आंसर मान लेता है। उससे बचें आप, तरीका बता दिया मैंने क्या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है इस सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर x 2 से 3 है, अगर x 2 से 3 ओपन के अंदर है, तो ये जो डब्बा x यहाँ पे काम आ रहा है, इसका डब्बा कितना बन जाएगा? 2 ही बन जाएगा ना। इसको आ रखकर देख लेता हूँ क्या बन रहा है। तो इट विल बी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 प्लस 7 इक्वल टू 0। ये बन गया अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, जो कि बन गया x माइनस 3 का परफेक्ट स्क्वायर। क्या आ जाएगा? एक्स 3 आ जाएगा। आपने बोला कि जो भी x आना चाहिए वो 2 से 3 ओपन के अंदर आना चाहिए। आपका x क्या आ रहा है? 3, जो कि 2 से 3 ओपन के अंदर नहीं है। मीन्स इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। कॉमन पार्ट होना चाहिए ना इनका। कितना बन रहा है? 5, नो सोल्यूशन। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं, ये था फर्स्ट क्वेश्चन के टोटल 8 पार्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो मिला था इसमें, क्वेश्चन नंबर 2, एक एस की दिया था आपको, समीशन ऑफ फैक्टोरियल के की है यहाँ पे 1 से लेके एन तक। ओके है। नेक्स्ट एक सिग्मा आपको फाइन समीशन सोल्व करना था। इसका इनपुट था एस एन माइनस 6 टाइम एस एन बाई 6 का डब्बा। ये पूरा इसका इनपुट है। एन वेरी कर रहा है 6 से लेके 10 तक, और इसकी वैल्यू फाइन कर लेती है आपको। और ये सिंपल डब्बा नहीं, यहाँ पे डब्बा वाला जी आई एफ आई, सिंपल ब्रैकेट नहीं है। ओके करते हैं इसको सोल्व। ठीक, n इक्वल टू 6 से वेरी कर रहा था, देखो टर्म्स कौन कौन से बनेंगे एक बार वो देखते हैं अपन। एन जैसे 6 पुट किया, एस 6 बन गया, एस 6 यहां भी बनेगा, 7 पे एस 7, 8 पे एस 8, 9 पे एस 9 और 10 पे एस 10। तो एस 6, एस 7, एस 8, एस 9, एस 10, ये यहां पे बन रहा है। अब ये एस 6, एस 7 ये टर्म्स कैसे निकालेंगे वो समझिए आप। यहां से अगर आपको एस 6 निकालना हो तो डेफिनेटली के पुट करना पड़ेगा 6। के पुट किया 6 तो ठीक, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सवाल के अंदर। आप एक काम करें, इस के की जगह बनाएं यहाँ पे एन, अब करेक्ट है। के को आपको इस वाले के को पुट कर देना है। अब देखो एस सिक्स कैसे निकाले, यहाँ कैसे निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ से एन को पुट करना पड़ेगा 6। एन जहाँ कहीं दिख रहा है पुट करना पड़ेगा 6 से, कितना बनेगा एस 6। और ये समीशन ऑफ फैक्टोरियल के, के इक्वल टू 1 से लेके 6 तक। एस 7, एन को 7 पुट करेंगे 1 से लेके 7 तक, ऐसे ही 9, 8, 10 सारे बना सकते हैं आप। तो यहां पे n जो है इसके अकॉर्डिंग वो 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6, 7, 8, 9, 10 ये टर्म्स आपको बनाने हैं। ठीक है, तो इसको ऐसा समझिए आप, n ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसके लिए sn क्या बनेगा, टर्म्स कौन कौन से आएंगे? जैसे 6 के लिए कौन कौन से आएंगे? 1 से चलेगा 6 तक, कि इसका वेरिएबल है, स्टार्ट करो 1 से एंड करो 6 पे, तो क्या बनेगा? 1 पे कितना बना? फैक्टोरियल 1, 2 पे फैक्टोरियल 2, 3 पे फैक्टोरियल 3, और एंड कहां पे होगा? फैक्टोरियल 6 के ऊपर। अगर एस 7 निकालना हो तो 1 से लेके 7 तक, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 अप टू फैक्टोरियल 7, ऐसे ही बाकी आगे भी बना सकते हैं। तो 6 या 6 से बड़े एन के लिए जो टर्म्स आने वाले हैं वो लिख दे रहा हूं मैं, फैक्टोरियल 1 आएगा, फैक्टोरियल 2 आएगा, फैक्टोरियल 3 आएगा, 5 आगे चलते रहेंगे कहां तक? फैक्टोरियल एन तक चलते रहेंगे ना। ओके तो अब ये सम देखा जाए क्या बन सकता है। यहां देखो, यहां से कुछ हिंट निकालना पड़ेगा। ये 6 क्यों दिया है इसने, इसका रीजन है 6 जो है अपॉन में, वहां से कुछ ना कुछ आपको देखना पड़ेगा कि इसकी जो सोच है, सवाल बनाने वाली जो सोच है उसके ऊपर स्ट्राइक करना है आपको, कि क्या सोच के इसने सवाल बनाया होगा,
सिक्स जो लगाया होगा वहीं से कुछ ना कुछ हिंट आपको निकालना पड़ रहा है यहाँ पे। और वो देखो सिक्स इसमें कैसे बना सकते हैं फैक्टोरियल एन, एवी लास्ट फैक्टोरियल एन, ये तो कितना हो गया आपका वन हो गया, ये कितना हो गया टू हो गया, ये कितना हो गया सिक्स हो गया। अब आगे जो भी टर्म्स आने वाले हैं क्या सब में सिक्स आएगा? यहाँ तो सिक्स आ ही रहा है, फैक्टोरियल फोर के अंदर भी एक अगर इसको ओपन करेंगे आप सिक्स वहां पर डेफिनेटली फैक्टर होगा। फैक्टोरियल फाइव अगेन सिक्स फैक्टर होगा, बिकॉज फैक्टोरियल फोर क्या हो गया फोर इंटू फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल थ्री सिक्स ही है। फैक्टोरियल फाइव कितना फाइव इंटू फोर इंटू फैक्टोरियल थ्री, अगेन वहां पे सिक्स मिल गया आपको। तो आगे आने यहां से यहां तक जो भी टर्म्स हैं उन सब में या तो सिक्स बोल दो या फिर क्या कॉमन निकाल लिया आपने, फैक्टोरियल थ्री कॉमन निकाल लिया। चलो फैक्टोरियल थ्री लिख देता हूँ थोड़ा दिखने में आसान रहेगा, सब में फैक्टोरियल थ्री आना है, फैक्टोरियल थ्री मैंने कॉमन निकाल लिया। अब जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा बड़ा सारा, क्या वो एक इंटीजर ही रहेगा? फैक्टोरियल की जो वैल्यू आती है वो ऑलवेज क्या आती है, एक नेचुरल वैल्यू आती है। और फैक्टोरियल थ्री जैसे आपने कॉमन लिया यहां तो कितना बचा वन, यहाँ कितना बचेगा फोर, ऐसे यहाँ पे फाइव इंटू फोर, सब में वो नेचुरल नंबर ही बच रहे हैं, उनका सम भी क्या बनेगा नेचुरल नंबर, जिसको क्या बोल रहा हूँ मैं इंटीजर बोल रहा हूँ, उसको बोल दिया मैंने सपोज यहाँ पे। अब वो चाहे कुछ भी बने उसको एम नाम दे दिया, जहां पे एम क्या हो गया एक इंटीजर हो गया। अब देखो जरा कितना बना है, ये बन गया आपका थ्री प्लस सिक्स टाइम एम, जहां पे एम है इंटीजर, ये आपने फाइंड किया एस एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स। अब आपका जो इनपुट है सिग्मा का उसको देखा जाए क्या है, इनपुट को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाद में सिग्मा पाएंगे। एस एन माइनस सिक्स टाइम डब्बा ऑफ एस एन बाई सिक्स, और ये हो गया ठीक है, एस एन पुट कर दीजिए यहाँ पे, थ्री प्लस सिक्स टाइम एम माइनस सिक्स बॉक्स थ्री प्लस सिक्स एम अपॉन सिक्स, तो ये थ्री प्लस सिक्स एम माइनस सिक्स, ये देखिए आप कितना बन जाएगा, ये बन गया यहाँ पे वन बाई टू प्लस एम, और एम यहाँ पे क्या है इंटीजर, और इंटीजर आ गया बॉक्स में सम के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, थ्री प्लस सिक्स एम माइनस सिक्स तो बाहर था ही, एम को बाहर निकालेगा प्लस डब्बा ऑफ वन बाई टू, और ये हाफ का बॉक्स कितना बनता है जीरो बनता है, तो ये हो गया जीरो, एम प्लस जीरो विल बी एम, तो ये थ्री प्लस सिक्स एम माइनस सिक्स कैंसिल आउट विल बी थ्री। मीन्स जो आपकी सिग्मा का इनपुट है वो ऑलवेज कितना बनना है थ्री बनना है, वो एन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, एन की सिक्स या सिक्स से बड़ी हर वैल्यू पे कितना बनना है वो थ्री बनना है। तो सिक्स पे थ्री आ गया, सेवन पे थ्री आ गया, एट पे थ्री आ गया, नाइन पे थ्री आ गया, टेन पे थ्री आ गया, थ्री कितनी बार आया फाइव टाइम, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा थ्री इंटू फाइव विल बी 15, ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और यही अपना लास्ट सवाल था, एन नेचुरल नंबर है, कुछ प्रूव करना आपको, बहुत सारे बॉक्स दिए जा रहे हैं अप टू इनफाइनाइट बॉक्स, एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस टू बाई फोर, एन प्लस फोर बाई एट, एट बाई सिक्सटीन, कुछ पैटर्न जो दिख रहा होगा आपको, और ये प्रूव करना है एन की इक्वल। एक जो प्रॉपर्टी लिखी थी आपने बॉक्स में, बॉक्स ऑफ एन बाई, बॉक्स ऑफ एक्स बाई एन, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस वन बाई एन, एक्स प्लस टू बाई एन, अप टू एक्स प्लस एन माइनस वन बाई एन, क्योंकि बॉक्स एक्स के इक्वल आ रहा था वहां पे, एन सब में डीआर में सेम चल रहा था, बट यहाँ तो वही वेरी कर रहा है टू फोर एट सिक्सटीन, मीन्स डायरेक्टली वो तो काम नहीं आ रही, डायरेक्टली तो काम नहीं आ रही कम से कम। तो अब ये दिमाग ही लगाओ कि एक सीरीज आपके सामने है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इनफाइनेटली मैनी है। आप चैप्टर पढ़ के आते हैं सिक्वेंस एंड सीरीज क्लास इलेवंथ के अंदर, वहां पे एक मैथड लेते हैं आप मैथड ऑफ डिफरेंस, उसमें जैसे कर क्या रहे होते हैं आप उस सीरीज का nth टर्म निकालते हैं, देन nth टर्म को दो सिमेट्रिक टर्म्स के डिफरेंस में ब्रेक करते हैं आप, देन जैसे ही सिग्मा को ओपन करते हैं टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होना स्टार्ट होते हैं और आपका आंसर बन जाता है। वो अप्रोच आप जब भी कोई सीरीज का सवाल मिले वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर सिमेट्रिक डिफरेंस बना पा रहे हैं तो, कुछ अल्टीमेट टर्म मेरे को कैंसिल करवाना है वहां पे। तो ऐसा ही कुछ यहां पर सोचा जाए, पहले इसका nth टर्म लिखा जाए, देन उसको दो के डिफरेंस में ब्रेक किया जाए, और उस nth टर्म की हेल्प से बाकी सारे टर्म निकाल के जैसे उनका सम करेंगे आगे सवाल आपका सोल्व हो जाएगा।
या फिर ऐसा सोच लो कि हर टर्म को दो के डिफरेंस में लिख लो, अगर nth टर्म निकालने में टाइम लग रहा हो तो हर टर्म को दो के डिफरेंस में लिखते चले जाओ, बट उस डिफरेंस कैसा बनना चाहिए, सिमेट्रिक बनना चाहिए, तभी वो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होंगे। तो अब यहां पे ये टर्म कहां से बनाऊंगा, वो डिफरेंस कैसे बनाऊं, वो डिफरेंस बनाना ही बड़ी बात है यहां, वो स्ट्राइक कैसे करेगा। तो ये टर्म कुछ देखा देखा लग रहा है मेरे को, जो फॉर्मूला मैं लिखवा, जो प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी वो एक्स वाई एन वाली, वहां पे अगर एन टू हो जाए, एन अगर टू हो जाए वहां पे, तो उसका फॉर्मेट क्या बनेगा, उसका फॉर्मेट बन जाएगा बॉक्स ऑफ एक्स बाई टू प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू इक्वल टू कितना बॉक्स एक्स, ये फॉर्मेट बनेगा। अब ये टर्म देखो यहां दिख रहा है आपको, फर्क क्या एक्स पुट करना है बस, एन, तो ये टर्म यहां से निकाल लीजिए आप, ये बॉक्स ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू कितना बन जाना यहां से, ये बन जाएगा बॉक्स एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स बाई टू, ये लो डिफरेंस तो बन गए आप, एक्स बस एन पुट करना आप, ये बन गया बॉक्स ऑफ एक्स प्लस वन बाई, सॉरी एक्स नहीं एन पुट करना उसको, एन प्लस वन बाई टू इक्वल टू बॉक्स ऑफ एन माइनस बॉक्स ऑफ एन बाई टू। फर्स्ट टर्म को तो दो के डिफरेंस में लेके आ गया, अब ऐसे ही बाकी टर्म्स को भी लेके आना है, पर ध्यान रहे टर्म्स सिमेट्रिक मतलब मिलते जुलते बनने चाहिए, ऐसा नहीं सभी में टर्म्स सारे डिफरेंट बन रहे हैं, अगर सभी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स बन गए तो फिर कैंसिल आउट कैसे होंगे। तो अब ये टर्म कैसे बनाया जाए, इसका इनपुट देखो आप, एन प्लस टू बाई फोर, यहाँ पे इसमें मैं क्या कार्रवाई करूँ कि मेरे को एन प्लस टू बाई फोर मिल जाए, सोच के देखिए आप एन प्लस टू बाई फोर कैसे बनाएंगे, नहीं एन को किससे रिप्लेस किया जाए कि एन प्लस टू बाई फोर बन जाए, देखो सोच के, अगर यहां पे मैं n को रिप्लेस कर दूं n बाई टू से तो देखिए क्या बनेगा, यहां पर रखो ये बना n बाई टू, n बाई टू प्लस वन अपॉन टू, अब लीजिए एलसीएम आप, टू आएगा कितना बना n प्लस टू अपॉन फोर, देखो वही लिखा हुआ है, तो n को रिप्लेस कर देना यहां पे n बाई टू से, तो ये बन गया n प्लस फोर n प्लस टू अपॉन फोर, यहां पे कितना बन जाएगा बॉक्स ऑफ एन बाई टू माइनस बॉक्स ऑफ एन बाई फोर, ये देखो टर्म्स कटेंगे बाद में। अब यहां से ये देखिए एन प्लस फोर बाई एट, अब तो आगे आपको रास्ता मिल जाएगा डेफिनेटली, एन प्लस फोर बाई एट कैसे बनाएंगे, साफ साफ दिख रहा है, यहां पे रिप्लेस कर दो एन को एन बाई टू से, लास्ट वाले में इसमें कितना बनेगा देखो एन बाई टू प्लस टू, एलसीएम अगेन टू आएगा, एन प्लस फोर अपॉन कितना हो गया एट, वही लिखा हुआ है, तो एक कोड लिख दे रहा हूं मैं, एन प्लस कितना हो गया फोर अपॉन एट, और यहां पे कितना बन गया एन बाई फोर माइनस एन बाई एट, ऐसे ही आगे करते रहना आप, अब इसमें एन को एन बाई टू से आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। अब जैसे ही इन सभी इक्वेशन को आप ऐड करने वाले, इक्वेशन बहुत सारे आने वाले आगे इन्फिनिटली तक आगे से चलता रहना आपको, तो जैसे इन सबको ऐड करेंगे आप यहीं से कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं पैटर्न अपन, इनको आगे भी चलते रहेंगे, तो जैसे इन सब का सम करेंगे आप देखें क्या बन रहा है, ये कटेंगे ऐसे, ये यहां से कट जाएगा, ये आगे कट जाएगा बाद में, तो ये टर्म बचना एक तो यहां पे, ऐसे ही कहां तक जाना है आपको इनफाइनाइट तक इसको लेके जाना है, तो जैसे ही इन्फिनिट तक आप जाएंगे उसमें होगा क्या, जैसे आप इन्फिनिट टर्म का सम निकालना चाहते हैं तो पहले आपको एन टर्म का सम निकालना होता है, अब देन वहां पे एन को अप्रोच करवाते हैं आप इन्फिनिट से, तो एस इन्फिनिट बन जाता है, ऐसे यहां पे करना है, पहले एन टर्म का सम निकालेंगे और देन वहां पे एन को इन्फिनिट से अप्रोच करवा के एस इन्फिनिट आप निकाल लेंगे। देखो अगर एन टर्म का सम निकालने जाएंगे तो उसमें होगा क्या, पैटर्न क्या चल रहा है, यूं पढ़ रहे हैं, तो जब एन वा टर्म लिखेंगे आप, एन वा टर्म जब लिखेंगे तो जो भी दो टर्म के डिफरेंस, दो टर्म का डिफरेंस लिखा हुआ यहाँ पे, उसमें फर्स्ट तो कट जाएगा ना, यूं कट रहे हैं टर्म्स, फर्स्ट कट गया लास्ट बचेगा यहाँ पे, यानी एक तो ये बच रहा है और एक वो अनंत टर्म का सेकंड टर्म बचेगा, यही दोनों डिफरेंस में आएंगे। अब उसको यूं सोचना, ये जो एन है ये एन, उससे कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये एन तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ये एन तो यहाँ पे एक कांस्टेंट गिवन है, वो कांस्टेंट है कुछ भी हो, वन हो टू हो दस लाख हो बीस करोड़ हो, वो कांस्टेंट है, मैं वो जो नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूं वहां जो एन बोल रहा हूं वो अलग है, इससे
ये फालतू में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। जो नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूं अगर उसको मैं एन बोलूं, या फिर एक काम करते हैं फालतू में कंफ्यूजन नहीं हो उसको आप एम बोल दो कि नंबर ऑफ टर्म्स मैंने एम मान ली, और एम को अपने इन्फिनिट से अप्रोच करवा देंगे और ये एन से अलग हो जाएगा। तो यहां जो एम वा टर्म होगा वो दो का डिफरेंस पे आएगा, सम करेंगे उसका नेक्स्ट टर्म बचेगा और यहां बच रहा है फर्स्ट, बाकी सारे कट गए। तो सम कितना बना, बॉक्स ऑफ एन और यहां जो आने वाला है। अब एक चीज देखिएगा, जैसे ही आप उस एम को इन्फिनिट से अप्रोच करवाएंगे, बिकॉज आपको इन्फिनिट टर्म का सम निकालना है, होगा क्या, यहां जो डब्बा आएगा सेकेंड वाला उसमें एन अपॉन यहां कुछ होगा। अब जाना आपको इन्फिनिट तक है, उसी को मैं अब इन्फिनिट से कनेक्ट कर रहा हूं। जैसे ही आप इन्फिनिट तक जाएंगे तो यहां जो नंबर आएगा वो बहुत ज्यादा बड़े नंबर को अप्रोच करेगा, और एन तो कॉन्स्टेंट ही है, ये जो एन दिख रहा है वो तो कॉन्स्टेंट ही है। जब वहां से आप एस इन्फिनिट निकालेंगे तो यहां जो नंबर आएगा, यहां जो नंबर दिखेगा आपको, वो बहुत बड़े नंबर को अप्रोच करेगा। तो सम कॉन्स्टेंट बाई बहुत बड़ा नंबर जो कि पॉजिटिव है, तो ये जो फाइनल नंबर दिखेगा आपको वो समथिंग जीरो से वन के अंदर ही बनेगा, जीरो के आसपास ही बनेगा वो, और जीरो के आसपास यानी पॉजिटिव साइड में बॉक्स वैल्यू कितना बनेगा, जीरो बनेगा। तो डेफिनेटली ये तो हो गया सब कुछ जीरो, कितना बचना है, बॉक्स ऑफ एन बचना है। तो यहाँ पे एस इन्फिनिट डायरेक्ट लिख पा रहे हैं आप, विल बी बॉक्स एन, और एन क्या दिया आपको, नेचुरल नंबर। तो अगर एन नेचुरल नंबर है तो बॉक्स ऑफ एन कितना बन गया, एन ही बन गया, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरीके से इसको आप प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा सा दिक्कत करने वाला सवाल है, इस टाइप के सवाल अगर आपने पहले एक्सपीरियंस कर रखे हैं तो ये क्लिक करते हैं, तो नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हर सवाल होना कोई जरूरी नहीं होता। कुछ सवाल ऐसे डेफिनेटली आपको मिलेंगे जो नहीं भी बनेंगे अपने से। तो आज के लेक्चर को समाप्त करने से पहले कुछ सवाल मैं देता हूं आपको, ये सवाल कर लीजिएगा, इनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल values of n जो कि एक natural number है, such that the equation box of 2x square, ये box यहां पे gif के लिए है, plus x minus n equal to 0 as a solution जहां पे n आपको दिया जा रहा है 10 से 100, 10 ओपन 100 क्लोज, और साथ में x दिया पॉजिटिव। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, n की वैल्यूज का सम फाइंड करना, ना कि x की वैल्यूज का, जो कि नेचुरल नंबर और वो भी 10 से 100 के बीच में, सच दैट दिस इक्वेशन हैज ए सोल्यूशन, यानी इस इक्वेशन का अगर कोई सोल्यूशन है, वो चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे तीन हो, अपने को मतलब नहीं है, यानी सोल्यूशन है इसका, ये बोल रखा है इसने, मींस x की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो आपको जो n की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी उन सबका सम फाइंड करना है। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ box of 18 upon 35 plus box of 18 into 2 upon 35, ये सारे box function है यहाँ पे for GIF, then 18 into 3 upon 35 up to ये चलेगा 18 into 34 upon 35, इसका सम फाइंड करना कितना बन गया। एक लास्ट क्वेश्चन और इस पे, प्रूव
prove that PT box of x plus box of x plus 1 by n x plus 2 by n up to box of x plus n minus 1 by n equal to box of nx. ये प्रूव करना जहां पे n एक नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो इसी के साथ ये लेक्चर यही एंड करते हैं अपन. थैंक यू.